हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी पनीर दो प्याज़ा। आज रेस्टोरेंट स्टाइल में हम पनीर दो प्याज़ा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखें और कॉमेंट करके बताएँ कि आपको मेरा पनीर दो प्याज़ा बनाने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू। देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पनीर दो प्याज़ा कैसा लगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आज पनीर दो प्याज़ा बनाना बताऊँगी। पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए मैंने दो कटे हुए प्याज लिए हैं। मैंने छोटे टुकड़ों में प्याज को काट लिया है। ये मैंने पनीर को मोटे टुकड़ों में काटा है। ये मैंने दो कटी हुई हरी मिर्च ली है और एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। ये मैंने 2 चम्मच मक्खन लिया है और 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें फ्रेश दही लिया है। ये कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूँगी। तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैं जीरा डालूँगी। ये 1/2 चम्मच मैंने जीरा डाला है। हींग डालूंगी। अब मैं प्याज को भूनने के लिए रख दूंगी। अच्छे से हम प्याज को भूनेंगे इनको डार्क होने तक। उधर हमारी प्याज भून रही हैं, इधर मैंने एक कढ़ाई ली है। दूसरी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच मक्खन डालूंगी और जो पनीर के टुकड़े थे उनको हल्का सा भून लेंगे। हल्का सा उनका कलर चेंज होने तक हम उनको भूनेंगे ताकि मक्खन से उनका स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाए। दो से 3 मिनट ही लगाएंगे इनको भूनने के लिए। इनका हल्का सा बिल्कुल लाइट कलर चेंज हो गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। उसी कढ़ाई में मैं 1 चम्मच मक्खन दोबारा से लूँगी और प्याजों को भून लूँगी जो मैंने कटे हुए टुकड़े लिए थे प्याज के। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप 1 चम्मच घी भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये हरी मिर्च के टुकड़े डाल दिए, इनको भून लूँगी मैं अच्छे से। प्याज को हम हल्का ब्राउन करेंगे। ये हमारे प्याज भुनकर भी तैयार हैं, मसाले वाले। अब मैं इस प्याज को रख दूंगी, धीमी आंच पर पकाएंगे हम इनको। ये इसमें मैं दही डालूंगी। इसको अच्छे से मिला लूंगी दही को। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिए, ये मैंने 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर लिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिए है, ये तीखी नहीं होती बिल्कुल भी। अब मसाले को अच्छे से मिला लूँगी। मसाले को ये हमारा देखो प्याज का कलर भी चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो चुका है, थोड़ी सी भुन गई है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। देखो मसाले का कितना अच्छा कलर आया है हमारा। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। अब इसको हम थोड़ी 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे मसाले को, ताकि पानी के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए मसाले। 2 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। ये 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक करूँगी। ये अच्छे से ऐड हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो प्याज और पनीर को भुना था वो डाल लेंगे। इनको अच्छे से मिला लूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए और इसको हम ढककर पकाएंगे।
क्योंकि हमने प्याजों को हल्का ही भूना था उस पर। ये अच्छे से पक जाएंगे 4 मिनट में। ये 4 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी पनीर दो प्याजा सब्जी बनकर तैयार है। देखो कितना अच्छा कलर आया है। बहुत ही टेस्टी हमारी ये सब्जी बनी है। बहुत यूनिक सी सब्जी है। प्लीज़ आप भी ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने कसूरी मेथी ली है स्वाद के लिए। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जियों में। अब मैं इसको सर्व करने के लिए डालूंगी। ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पनीर दो प्याजा बनाने का तरीका कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।